नमस्कार, मैं अंजलि मिश्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है उसने सैम डिसूजा को समन जारी किया था और इस दौरान उन्होंने सैम डिसूजा से कई सारे सवाल किए। समन जारी करने के बाद जब सैम डिसूजा वहां पेश हुए तो उनसे एक के बाद एक कई सारे सवाल जो है मुंबई ड्रग मामले से रिलेटेड किया गया, जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि आखिर जिस तरीके से सैम डिसूजा पर यह आरोप लगे हैं कि वसूली मामले में वो भी शामिल थे, उस पर उन्हें क्या कहना है। तो वो आपको बता दें कि सैम डिसूजा ने ये बात कबूली। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पता था कि वहाँ पर जो है ड्रग क्रूज पार्टी हो रही है, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वहाँ पे आर्यन खान मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्यन खान को बचाने के लिए पूजा डडलानी और गोस्वामी की जो मीटिंग है उसे फिक्स की थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही आर्यन खान की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, मैंने ही जो है पूजा डडलानी यानी शाहरुख खान की जो मैनेजर है उसके साथ जो है गोस्वामी की मीटिंग फिक्स करवाई ताकि आर्यन खान को बचाया जा सके। साथ ही जब उनसे दोबारा सवाल किया गया और ये पूछा गया कि क्या इस मीटिंग में वसूली के लिए पैसे मांगे गए थे, क्या इस मीटिंग के दौरान पैसे की कोई बात हुई थी, इस पर उन्होंने ये बात कही कि मुझे ये पता है कि पूजा डडलानी के बीच में और गोस्वामी दोनों के साथ में मीटिंग तो हुई है लेकिन इस दौरान पैसे की बात हुई है या फिर नहीं, इस बात की जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि प्रभाकर सेल ने इन पर आरोप लगाया था, सैम डिसूजा पर आरोप लगाया था और कहा था कि इस पूरे वसूली मामले में सैम डिसूजा जो है वो अहम व्यक्ति है जिसने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी और गोस्वामी की मीटिंग फिक्स करवाई थी और यहाँ पर पैसे की डील हुई थी। जिस पर सैम डिसूजा ने ये बात कबूल की है कि जो है मीटिंग हुई थी लेकिन इस दौरान पैसे की बात हुई है या फिर नहीं, इस बात की जानकारी उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग बरामद नहीं हुआ था, ये उनके चैट से शायद पता चला हो कि वो ड्रग्स लेते थे, 3 साल से उसका सेवन कर रहे थे लेकिन वहाँ क्रूज पार्टी के दौरान आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग बरामद नहीं किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब विजिलेंस टीम जो है उन्होंने पूछताछ कर ली है, अब एसआईटी की जो टीम है मुंबई में अब वो भी सैम डिसूजा से पूछताछ करने वाली है क्योंकि आर्यन खान के इस ड्रग वाले मामले में, इस पूरे क्रूज ड्रग मामले में जो है इसका बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। वही आपको बता दें कि सैम डिसूजा के जो वकील है पंकज यादव, उनका यह कहना है कि सैम डिसूजा के जान को खतरा है और ऐसे में उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सैम डिसूजा से जब आगे सवाल किया गया कि आखिर किस तरीके से गोस्वामी के साथ इनका जो है कनेक्शन बैठा और किस तरीके से इन्होंने इन दोनों की मीटिंग फिक्स करवाई, उन्होंने बताया कि सुनील पाटिल नामक व्यक्ति ने उन्हें कांटेक्ट किया था और उन्होंने ही जो है उसके बारे में जानकारी दी, उन्होंने जो है ड्रग मामले के बारे में जानने की कोशिश की। उस दौरान सुनील पाटिल ने ही गोस्वामी का नंबर इन्हें सामने से भेजा, जिसके बाद गोस्वामी का नंबर जो डिसूजा है उसने एनसीबी को जो है ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती हुई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डिसूजा ने यह बात भी कही कि गोस्वामी ने जो प्रभाकर सेल है उसका नंबर समीन वानखड़े 2 करके सेव करके रखा था और ये बात यहाँ पर जो है फिक्स की गई थी कि जब वो पूजा डडलानी के साथ मीटिंग में रहेंगे, पूजा डडलानी के साथ जो है उनके मीटिंग में बातचीत हो रही होगी तो उस दौरान प्रभाकर सेल को एक बार फोन जरूर करना है क्योंकि प्रभाकर सेल अगर उसको वहां से फोन करते हैं तो इन्होंने प्रभाकर सेल का जो नंबर है वो समीर वानखड़े 2 करके सेव किया था, यानी फोन में ये शो करेगा कि समीर वानखड़े यहाँ पर फोन कर रहे, यानी एक तरह से देख सकते हैं कि जो पूजा डडलानी है उसे भी इस बात पे विश्वास दिलाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं समीर वानखड़े जो कि इसमें मुख्य कार्यवाही कर रहे थे इस जो है वसूली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब वो मीटिंग कर रहे हैं जहां पर वसूली की रिलेटेड बात हो रही है, पैसे लेन देन की बात हो रही है, तो वहीं पर समीर वानखड़े 2 नंबर से फोन आना, यानी एक तरह से ये पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्टेड है, पूरे तरीके से इसे बनाया गया कि किस तरीके से वसूली जो है की जाएगी और प्रभाकर सेल को फोन करने के लिए कहा गया जिनका नंबर इस तरीके से समीर वानखड़े 2 करके सेव किया गया, यानी आप देख सकते हैं कितना दिमाग जो है गोस्वामी ने लगाया और वही गोस्वामी जिसका नंबर सुनील पाटिल सामने से फॉरवर्ड करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये सैम डिसूजा ही थे जिन्होंने 1 अक्टूबर को जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वहां पर उन्होंने ये सारा जो डिटेल्स है इसे फॉरवर्ड किया था कि यहाँ पर एक क्रूज पार्टी होने वाली है जिसमें इतने सारे लोग मौजूद रहेंगे और यहाँ पर भारी मात्रा में ड्रग्स भी आने वाला है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को छापेमारी हुई थी और साथ ही साथ सैम डिसूजा ने इस छापेमारी में मदद करवाने की बात करके ही एनसीबी के ऑफिसर्स को गोस्वामी और साथ ही साथ प्रभाकर सेल के साथ मुलाकात करवाई थी, यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैम डिसूजा का इनपुट यहाँ पर काफी ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि उसने ही सबसे पहले जानकारी दी थी, उसने ही जो है गोस्वामी और प्रभाकर सेल जो कि मुख्य इसमें आप कह सकते हैं कि कल्पित के तौर पर देखने के लिए मिल रहे हैं, इन दोनों की जो है मिली जुली साजिश मानी जा रही है। तो इन दोनों की मुलाकात एनसीबी जो ऑफिसर्स है उससे सैम डिसूजा ने ही करवाया था, लेकिन आपको बता दें कि प्रभाकर सेल ने सैम डिसूजा पर आरोप लगा
लगाया और उन्होंने कहा कि वसूली मामले में सैम डिसूजा शामिल थे। सैम डिसूजा ने ही ये बातें कही थी और उन्होंने ही सारा जो है सब कुछ सेट किया था। और कहीं ना कहीं ये बात भी समझ आ रही है कि पहले जो है एनसीबी को इन्फॉर्म करना कि यहाँ पर पार्टी होने वाली है, ड्रग पार्टी होने वाली है, साथ ही साथ फिर एनसीबी के ऑफिसर्स को सैम डिसूजा प्रभाकर सेल से मिलवाना, प्रभाकर सेल का जो नंबर है वो गोस्वामी के फोन में समीर वानखड़े 2 करके सेट होना, गोस्वामी और पूजा ददलानी की मीटिंग भी जो है सैम डिसूजा ने फिक्स करवाई थी, ये बात भी उन्होंने कबूल कर लिया, एक बड़ा खुलासा माना जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मुद्दा और आके अटक गया है कि ये बात यहाँ साबित हो गई है कि कहीं ना कहीं आर्यन खान को छुड़ाने के लिए वसूली को लेकर जो है एक मीटिंग की गई थी। ये बात सैम डिसूजा ने एक्सेप्ट की है कि मीटिंग हुई है, और ये बात भी एक्सेप्ट की है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी और गोस्वामी के बीच में हुई है। यारी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से खुलासा हो रहा है उससे ये बात साबित हो गई है कि अब जो है ये मीटिंग मैनेजर शाहरुख खान के मैनेजर उनके बीच में हुई है, यानी यहाँ पर शाहरुख खान और पूजा ददलानी के फंसने के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिना शाहरुख खान की जानकारी के पूजा ददलानी जो है गोस्वामी से मिलेगी नहीं। और अपने किसी को भी छुड़ाने के लिए एक ऐसे ड्रग वाले मामले में अगर आप पैसे देते हैं, आप कह सकते हैं घूस देने की कोशिश करते हैं, भले वो 25 लाख हो, 50 लाख हो या 2 करोड़ हो, तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो ऐसे में आर्यन खान को छुड़ाने के लिए या जैसे भी अगर पूजा ददलानी ने पैसे की बात की थी, पैसे जो है ट्रांजैक्शन हुए हैं इस तरीके से, जैसे मीटिंग की बात जो है वो प्रूव हो चुकी है, जहां तक अभी डिसूजा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मीटिंग तो हुई है लेकिन पैसे की बात हुई इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आगे आने वाले वक्त में ये गुत्थी भी खुलती है कि पैसे की बात हुई है, पूजा ददलानी ने जो है गोस्वामी को घूस देने की कोशिश की है कि आर्यन खान को छुड़ाया जा सके, तो ऐसे में पूजा ददलानी और शाहरुख खान जल्द से जल्द जो है इस मामले में खींचते हुए नजर आएंगे और आने वाले वक्त में वो इस मामले में फंस भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब ये पूरे ड्रग क्रूज का मामला सामने आया था तो इस दौरान जो है प्रभाकर सेल, गोस्वामी और सैम की पोल खुल चुकी थी, और इसके बाद ही एनसीबी ने जो है एनसीबी पर राजनेताओं ने अपनी घेराबंदी की थी। कई सारे लोगों ने एनसीबी पर ही आरोप लगाया था। गोस्वामी को भी पहले समीर वानखड़े का जो आदमी बताया जा रहा था, बाद में पता चला कि गोस्वामी जो है इसके तार कहीं ना कहीं सुनील पाटिल से जुड़े हुए हैं। सुनील पाटिल ही, आप देख सकते हैं कि पूरी कहानी में सुनील पाटिल ने यह नंबर फॉरवर्ड किया था सैम डिसूजा को, और सैम डिसूजा ने फिर अफसरों से इन्हें मिलाया था। तो यानी सुनील पाटिल यहां पर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सैम डिसूजा ने बताया कि सुनील पाटिल जो है अहमदाबाद में अभी बैठे हुए हैं और वहां से ही जो है ये सारी जानकारी वो लेते हुए नजर आए। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये सारा मामला एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुनील पाटिल का नाम बार बार सामने आ रहा है, सैम डिसूजा भी उनका नाम लेकर आ रहे हैं। प्रभाकर सेल ने भी एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि समीर वानखड़े ने वसूली की है, समीर वानखड़े ने पैसे मांगे हैं। लेकिन बाद में ये नाम सामने आ गया कि प्रभाकर सेल का ही नंबर समीर वानखड़े के नाम से सेव किया था, यानी प्रभाकर सेल के झूठ का भी पर्दाफाश हो गया। और कहीं ना कहीं ये संशय बना हुआ था कि आखिर जब मीटिंग हुई है या फिर ये भी जो है बयानबाजी की जा रही है, ये भी जो है कहानी गढ़ी जा रही है, तो इसको लेकर भी सैम डिसूजा ने अब सामने ये बात रख दी है कि पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर है और गोस्वामी के बीच मीटिंग हुई थी। लेकिन वहीं पर सैम डिसूजा ने इस बात से नकारा है, उन्होंने कहा है कि इस बात पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि इन दोनों के बीच में पैसे की डील हुई थी या फिर नहीं, और अगर पैसे की डील हुई थी तो यहाँ पर पूजा ददलानी और शाहरुख खान दोनों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में सुनील पाटिल एक अहम व्यक्ति बनकर निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में अब पूजा ददलानी भी फंसती हुई नजर आ रही है, इस पूरे मामले में अब शाहरुख खान से तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आप कह सकते हैं कि एक तरह से गोस्वामी का झूठ पकड़ा गया, प्रभाकर सेल का झूठ पकड़ा गया, और अब सैम डिसूजा ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है मीटिंग को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं जो है शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, और इस वसूली मामले में एक ये बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जहां पर इस बात की जो है पुष्टि हो चुकी है कि ददलानी के साथ मीटिंग हुई थी। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में और बड़े खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि जहां पर विजिलेंस टीम के साथ जो है ये मीटिंग हो चुकी है, समन जारी किया गया था, इनसे पूछताछ हो चुकी है, अब मुंबई की एसआई टीम भी जो है वो सैम डिसूजा से पूछताछ करने वाली है। वहीं पर जो उनके वकील है सैम डिसूजा का, ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इनकी जान को खतरा है, इन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे आर्यन खान के मामले में सैम डिसूजा एक काफी अहम व्यक्ति है जिसका बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।